नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। अब हरियाणा में 1 अक्टूबर से पहले धान की खरीद होगी। धान समेत मक्का, बाजरा, कपास, अन्य फसलों की भी खरीद होगी। आपको बता दें कि आज करनाल में रीजनल सेंटर उचानी के नवनिर्मित गेट का उद्घाटन करने के अवसर पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बारे में मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि कोई भी किसान हितैषी फैसला लेना हो, उससे मुख्यमंत्री पीछे नहीं हटते। केवल एक दुष्प्रचार किया गया था कि एमएसपी नहीं रहेगी, मंडियां नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि उसका जवाब इस बार मंडियों में होने वाली सरकारी खरीद है। अब किसानों के खाते में सीधा पैसे जाएंगे, जिससे किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान हित में यह फैसला किया है, जिससे कांग्रेस को परेशानी हो रही है। गौरतलब है कि पहले 1 अक्टूबर से मंडियों में सरकारी धान की खरीद शुरू होनी थी, लेकिन धान की फसल पूरी तरह से पककर तैयार हो चुकी है और मंडियों में आवक शुरू हो गई है, जिसे लेकर खरीद जल्दी शुरू होने का निर्णय लिया गया है। अब किसान अपनी फसल की कटाई करने के बाद जल्द ही उसे मंडियों में लाकर बेच सकेगा। कृषि किसान बिल के विरोध में गत दिवस किसान संगठनों द्वारा भारत बंद किए जाने के सवाल पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि सभी किसान तो अपने खेतों में व्यस्त हैं, सड़कों पर केवल कांग्रेस थी। कांग्रेस एक बुझती हुई लौ है, कांग्रेस अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है। किसानों की आज जो हालत हुई है, इसकी कांग्रेस को जिम्मेदारी लेते हुए माफी मांगनी चाहिए। जेपी दलाल ने कहा कि आज भव्य गेट का निर्माण हुआ है और गन्ने के लिए जो भी उत्कृष्ट किस्में हैं, वो सारी यहां से पूरे हरियाणा में गई हैं, जिसे देश के किसानों को काफी लाभ मिला है। मक्का का भी भारत का ये उत्तम स्टेशन है। बड़ौदा चुनाव पर किसान संगठनों द्वारा कृषि बिल का विरोध करने पर कितना असर पड़ेगा, इस अवसर पर जेपी दलाल ने कहा कि किसान और मतदाता काफी समझदार हैं, वो बीजेपी को वोट देकर अपनी भागीदारी तय करेगा। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। करनाल में ये जो है यूनिवर्सिटी का एक्सटेंशन सेंटर है, इसमें एक भव्य गेट का निर्माण हुआ है, वो देखने के लिए मैं आया। और गन्ने के लिए जो उत्कृष्ट वैरायटी हैं, वो सारी यहाँ से बन के गई हैं, जिससे हरियाणा के किसानों को ही नहीं, देश के पूरे किसानों को बहुत लाभ हुआ है। मक्का का भारत का ये बहुत ही उत्तम स्टेशन है। और अब जो है, जो करनाल के अंदर हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी बनने जा रही है 60-65 एकड़ के अंदर, उत्तर भारत की एक विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी यहाँ बनेगी, जिससे कि आप दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से इसको कम्पीट कर पाएंगे। इसका पहले ये ज़मीन थी HAU के पास, उसे ट्रांसफ़र करके हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी को दे दी गई है। तो दोनों सेंटर रहेंगे, HAU का सेंटर थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, उसको इसके बदले में ज़मीन दे दी गई है, और हॉर्टिकल्चर का बिल्कुल वर्ल्ड क्लास का एक यूनिवर्सिटी यहाँ बनने जा रही है, जिससे कि करनाल, यमुनानगर और पानीपत, अम्बाला, यही इलाका नहीं, सारे उत्तरी भारत के बच्चे जो हैं इस यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग लेंगे और हॉर्टिकल्चर में एक एक्सीलेंस हम प्राप्त करेंगे। देखिए, किसान जो है, आप कहीं भी जाके देखिए, खेतों के अंदर व्यस्त हैं, धान की कटाई का व्यस्त है, कपास की चुगाई का है, बाजरा निकालने का है, सड़कों पे कांग्रेस थी, कांग्रेस एक बुझती हुई लौ है, आखिरी लड़ाई लड़ रही है, किसान के कंधे पर बंदूक रख के चला रही है। और कांग्रेस ने हमेशा ही बिचौलियों का साथ दिया है। किसान की जो ख़राब हालत हुई है, उसकी जिम्मेवारी कांग्रेस को अपने आप लेना चाहिए और उसको प्रायश्चित करना चाहिए कि 60-70 साल में हम किसानों का भला नहीं कर पाए। और आज जो मोदी जी कोशिश कर रहे हैं नए नए बिल पास करके, किसान हितैषी फैसला लेके, उसका समर्थन करना चाहिए। और जो किसानों का शोषण हुआ है बिचौलियों के द्वारा, उसके लिए कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए। सर,
असर किस चीज़ से पड़ता है नहीं पड़ता है ये तो चुनाव का रिजल्ट बताएगा, लेकिन बड़ौदा का किसान जागरूक किसान है, जागरूक मतदाता है, उसको पता है कि इस वक्त जो है लगभग 4 साल के लिए सरकार जो है स्थिर सरकार है, उसके अंदर वो अपना पहली बार कमल के निशान पर बटन दबाकर अपना भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुन के सरकार के अंदर बड़ौदा हलके की हिस्सेदारी करना चाहता है। सर आखिरी सवाल, सर मंडियों में धान का आवाज शुरू हो गई है तो किसानों के लिए किस तरह के इंतजाम? मुख्यमंत्री जी से कल भी बात हुई थी, धान की 1 तारीख से खरीद होनी थी, हमारी कोशिश ये है कि उससे पहले ही हम धान की खरीद कर दें, और कोई भी किसान हितैषी फैसला लेना हो उसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी पीछे नहीं हटते। धान की भी परचेज होगी, कपास की होगी, मक्का की होगी, बाजरे की होगी, मूंग की होगी, और एक दुष्प्रचार किया गया था कि MSP नहीं रहेगी, मंडियां नहीं रहेंगी, उसका जवाब ये हमारी परचेज होगा, किसानों के खाते में सीधा पैसा जाएगा और किसानियों को बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी, और इसके लिए ही मोदी जी ने किसान हितैषी फैसले लिए हैं जिससे कांग्रेस को परेशानी है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.